हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए आर हेल्थ। आई एम डॉक्टर मुर्तफर। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लोसिप 250 mg टैबलेट की। क्या इसका इस्तेमाल होता है, किस कंडीशन इस्तेमाल कराया जाता है, इस बारे में करेंगे विस्तार से जानकारी। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मेरी गुजारिश है अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी के बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये फ्लोसिप 250 mg टैबलेट है। ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। इसमें सिंगल कंटेनर होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये एबॉट कंपनी द्वारा बनाई जाती है। एबॉट कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। ये इस तरीके की होगी एबॉट कंपनी। एबॉट वाली बहुत ही बढ़िया कंपनी है और ये हर मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी के साथ मिल जाती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन में कंटेन होता है। ये हर मेडिकल बहुत आसानी से मिल गई। एक एंटीबायोटिक है। इसका इस्तेमाल जब करा जाता है जब इंसान को कहीं पर उसे एलर्जी हो गई है, ज़ख्म बन गया है, या मुंह में छाले हो गए हैं, हलक में छाले हो गए हैं, कान में दर्द हो रहा है, कान में इन्फेक्शन हो गया, दांतों में इन्फेक्शन हो गया, या फिर बुखार आ रहा है बहुत तेज़, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल अडल्ट और बच्चों में दोनों में किया जा सकता है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका, एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम दे सकते हैं। बच्चों में आधी टैबलेट सुबह आधी टैबलेट शाम दे सकते हैं। इसके इस्तेमाल से कान का इन्फेक्शन हो, दांत में कीड़ा लगे हो या दांतों में इन्फेक्शन हो, या जवान या हलक में, या चेहरे पर, या फिर जिस्म में कहीं पर भी दाने हैं, छाले हैं, ज़ख्म है, दांत बन गया, उसमें ज़ख्म हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, तब भी इसका बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। या बुखार, बहुत तेज़ बुखार आ रहा हो, बुखार को भी दूर करते हैं। एलर्जी हो गई है, एलर्जी को भी बहुत जल्दी दूर करती है। बहुत ही बढ़िया एंटीबायोटिक है। इसके अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। इससे साइड इफ़ेक्ट होते हैं पेट में दर्द हो जाना, शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाना, जी मचलाना, उल्टी हो जाना, घबराहट बेचैनी हो जाना, ये इससे कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। फ्रेंड, ये नॉलेज पर वीडियो है, इसे अपने आप इस्तेमाल न करें। अपने नज़दीकी डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर, राय लें, सलाह लें, इसका इस्तेमाल करें।